हेलो गाइज, मैं अभी से एक स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस नए वीडियो में, जहाँ हम सीखेंगे रेजर पे के कुछ फीचर्स के बारे में। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले हमारे ब्राउजर पे। ब्राउजर पे आके हमें रेजर पे सर्च करना है। रेजर पे फर्स्ट लिंक razorpay.com पे क्लिक करना है। हमने अकाउंट बना रखा है, आपको इसमें वीडियो मिल जाएगा अकाउंट कैसे बनाते हैं। वहां से अकाउंट बना सकते हैं, यहां से आपको लॉगिन करना है। यहां से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही रेजर पे का जो डैशबोर्ड पेज है वो ओपन हो जाता है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ आपको अभी हमारा लाइव पेमेंट दिख रहा है, क्योंकि मैंने एक ट्रांजेक्शन करके देखा था। मैं आपको बताया था ये लाइव पेमेंट कैसे से होगा। ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना है और जैसे इसमें दिखा रहा है अभी 2 रुपये का एक पेमेंट एक्सेप्ट हुआ है। चलिए पहले बता देते हैं आपको कि पेमेंट कैसे एक्सेप्ट करना है। किसी को पेमेंट लिंक भेजना हो अपने बिजनेस के थ्रू तो वो किस तरीके से भेजना होता है। तो आ जाते हैं पेमेंट लिंक्स पे। सबसे पहले हम क्लिक करते हैं पेमेंट लिंक्स पे। ये हमने एक पेमेंट लिंक 2 बना रखे थे, अभी हम एक नया क्रिएट पेमेंट लिंक करते हैं। जैसे अभी हमने 10 रुपये का पेमेंट लिंक किसी को सेंड करना है। पे फॉर आपको अगर आपकी कंपनी का है तो वो नाम भर देना है एप्स के लिए। जिसको पेमेंट लिंक भेजना है उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी, नोटिफाई वाया एसएमएस वाया ईमेल दोनों करना होगा, दोनों कर सकते हैं। अगर वाइज अगर आप जिस खाली ईमेल करेंगे तो उसके ईमेल पे जाएगा, एसएमएस करेंगे तो एसएमएस पे जाएगा। रिसिप्ट नंबर, अगर आपके पास कुछ रिसिप्ट के थ्रू भेजना है तो रिसिप्ट नंबर यहाँ डाल सकते हैं, ताकि कस्टमर को पता चल जाए कि रिसिप्ट के लिए हमें ये पेमेंट करना है। चलिए हम यहाँ से क्रिएट करते हैं पेमेंट लिंक। तो देखें जहाँ इसे क्रिएट पेमेंट लिंक क्रिएट हो चुका है ये पेमेंट लिंक। अब कस्टमर को या तो कॉपी करके आप ये लिंक सेंड कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से सेंड लिंक का ऑप्शन है। तो सेंड लिंक पे करते ही ये मोबाइल पे और मेल दोनों आईडी पे जाने का ऑप्शन मांगेगा। आप सेंड लिंक कर दें, लिंक सेंड सक्सेसफुली। अब हम चलते हैं हमारे ईमेल आईडी पे जहाँ पर हमने ये लिंक सेंड किया है। देखिए हमें एक रिक्वेस्ट आई है शुभम सोनी की तरफ से, पेमेंट लिंक फ्रॉम शुभम सोनी। जैसे 10 रुपीज प्रोसेस टू पे करेंगे तो ये आपको इनका पेमेंट पेज ओपन करके दे देगा, जहाँ से आपको पेमेंट करना है। जैसे यहाँ पे अभी हमने डाल था पेमेंट फॉर ग्रोसर ग्रो ऐप, तो ग्रोसर ग्रो ऐप आगे लिखा हुआ। अब हमें किस चीज़ से करना है, UPI वॉलेट, नेट बैंकिंग, कार्ड। हम UPI से इस पेमेंट को करते हैं। हम अपनी UPI आईडी डालनी है, ये हमने हमारे फ़ोन पे UPI आईडी डाल दी है। प्रोसेस टू पे करेंगे तो ये हमारे फ़ोन के ऊपर यहाँ पे ये UPI आईडी ओपन है, वहाँ एक पेमेंट लिंक भेजेगा, वहाँ से अपने को पे करना है। चलिए हम एक में पे कर देते हैं इसको। जैसे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होगा, हमारे मोबाइल से ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है, तो यहाँ पे आपको पेमेंट कंप्लीट का ऑप्शन का मैसेज दिखा रहा है। अब चलते हैं हम रेजर पे डैशबोर्ड पे। यहाँ आके एक बार आपको सिंपली रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करते ही आपको यहाँ पे जहाँ कैप्चर आ रहा था वहाँ पे पेड आ चुका है। पेड आके आप होम पे जाएंगे अपने, तो होम पे आपको दिख रहा होगा 11.72 रुपीज़। तो 11.72 रुपीज़ ही क्यों आए, 2 रुपये हमने पहले कर रखे थे तो उसका 1.92 रुपीज़ आ चुके थे। अभी आए हैं अपने को 9.80 रुपीज़, मतलब इन्होंने 0.20 पैसे चार्जेस ले लिया है। तो इसका मतलब हम देख सकते हैं रेजर पे हमारे से 2% चार्ज लेता है पेमेंट ट्रांजेक्शन का। और इसका एक फीचर और है राउट फीचर।
तो राउट फीचर के लिए हमें हम आपको बताए थे किस तरीके से काम करता है ये। राउट फीचर को आप गेट स्टार्टेड करेंगे, कस्टमर्स को इसमें कैसे जोड़ सकते हैं, जैसे आपने अपने क्लाइंट्स बना रखे हैं उन क्लाइंट्स को इसके थ्रू जोड़ना है, सारा पेमेंट आपके पास आएगा फिर आप अपने क्लाइंट्स को ट्रांसफ़र करेंगे, तो वो सब चीज़ राउट पेमेंट के थ्रू होती है। इसके लिए आप यहाँ से अपने एक रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं इन लोगों रेजर पे वालों को, तो वो आपको सिखाएंगे किस तरीके से राउट काम करता है। हमने इसकी गाइडलाइन ली है तो इसमें हमें बताया गया था कि इन्होंने ये लोग जैसे अभी 2% पेमेंट काट रहे हैं तो उसके अंदर 2.5% लेते हैं, 2.5%। जैसे अभी हमारे 10 रुपये में 20 पैसे कट हुए हैं तो उस टाइम अपने 10 रुपये में 25 पैसे कट हुए। अगर कोई राउट के थ्रू पेमेंट करता है अपने को तो इस तरीके से पेमेंट होता है। और इसका एक और ऑप्शन है तो स्मार्ट कलेक्ट का। स्मार्ट कलेक्ट में क्या होता है कि हम पेमेंट को स्मार्ट वे से कनेक्ट ले सकते हैं, जैसे UPI ट्रांसफ़र, बैंक ट्रांसफ़र। खाली दो ही ऑप्शन दिखाएगा इसमें, बाकी वॉलेट वगैरह किसी भी तरीके का ऑप्शन नहीं दिखाएगा। इसके अंदर थोड़ा पेमेंट का जो इनका ट्रांजेक्शन चार्ज है वो थोड़ा कम लगता है, जैसे अमाउंट डिस्क्रिप्शन अपन दे सकते हैं और क्रिएट वर्चुअल पेमेंट कर सकते हैं। ये अभी हम करेंगे नहीं क्योंकि अभी हमने एक ट्राई कर चुके हैं। यहाँ आपकी कस्टमर डिटेल्स आ जाएगी, जैसे अभी हमने 2 कस्टमर ऐड हो चुके हैं। अगर आप और कस्टमर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से अपनी कस्टमर को ऐड कर सकते हैं। अगर उनका GST नंबर नहीं है तो भी कोई इशू नहीं, GST नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं एक कस्टमर ऐड करके बताया था आपको। ये सेव करते देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर दिख जाएगा। इसके अंदर आपको नाम नहीं शो हो रहा हो क्योंकि अपन ने इसको डायरेक्ट पेमेंट लिंक के थ्रू ऐड किया था। यहाँ आप अपना नाम डाल दें, जो भी कस्टमर का नाम है, इससे आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपको याद रहेगा किस किस कस्टमर को आपने पेमेंट लिंक सेंड कर रखा है। बाकी इनका सब्सक्रिप्शन प्लान है तो ये थोड़ा पेमेंट कम काटते हैं, अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लें तो आपके ज़्यादा ट्रांजेक्शन होता है। स्मार्ट कलेक्ट कस्टमर ऑफर्स, ये इनके ऑफर्स चलाते रहते हैं ये देखना चाहें तो। हालांकि अपने को इनिशियल लेवल पे भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्टेटमेंट चेक करना है आपको किसी अपने पेमेंट्स का, तो यहाँ से स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं आपके अकाउंट का स्टेटमेंट, लास्ट 7 डेज या डेली का पेमेंट वो चाहिए आपको। रिपोर्ट तो डेली की रिपोर्ट ले सकते हैं, CSV फाइल में चाहिए, एक्सेल फाइल में चाहिए, ओल्ड एक्सेल फाइल में चाहिए, तो अपन CSV फाइल में करके जनरेट रिपोर्ट करते हैं। ये रिपोर्ट जनरेट हो चुकी है। अभी हमारे पास लास्ट 7 डेज में 6 मई तक कोई डेटा नहीं था, इसलिए हमारे को कोई रिपोर्ट नहीं दिखाई है। अगर ये अपन 7 मई का करते हैं तो शायद ये आपको CSV फाइल में कुछ रिपोर्ट दे देगा, क्योंकि आज अपन ने 2 ट्रांजेक्शन कर, लेकिन अभी तक इनका से ट्रांजेक्शन आया नहीं है, तो शायद आपको कल आप अगर ट्राई करें तो इसके अंदर आपको ट्रांजेक्शन दिखाई देगा। चलते हैं यहाँ पर हमारी वही सेटिंग्स पे जो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, कैसे API की जनरेट करते हैं, अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसका अलग से वीडियो है, वो आप पहले देख लेंगे तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। देखें अभी हमने जो लास्ट पेमेंट किया था उसका पेमेंट वॉल्यूम यहाँ शो कर रहा है। अभी कुछ देर बाद जो अभी 10 रुपये पेमेंट किया था उसका भी शो कर जाएगा, तो यहाँ पे टोटल 12 रुपीज़ आ जाएगा, नंबर ऑफ पेमेंट 2 आ जाएगा। अब यहाँ से अपने को अगर पेमेंट रिफंड करना है किसी को तो आपके पेमेंट एक्टिविटी में जाके कस्टमर पे क्लिक करें, क्रिएट ट्रांसफ़र, कितने रुपये वापस ट्रांसफ़र करना है, उनका अकाउंट नंबर, बिलिंग अमाउंट, अगर आपको डेट पे रखना है या होल्ड करना है तो उसको होल्ड भी कर सकते हैं और क्रिएट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो ये था सर फंक्शंस और फीचर्स, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।